तो जो बच्चे 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम्स भी देने वाले हैं और जेई मेन 2022 भी देने वाले हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करूं या फिर मेंस के लिए प्रिपरेशन करूं। तो देखिए, जो फर्स्ट बात है कि जो सिलेबस मेंस का है लगभग 80-90% वही सिलेबस बोर्ड्स का है, या वाइस वर्सा कह सकते हैं। तो आपको बोर्ड्स और मेंस के लिए आपको नहीं तैयारी करना है, आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ अपने सिलेबस पे ध्यान देना है और हर एक तरीके से आपको अपने सिलेबस को कवर करना है, अपने चैप्टर्स को कवर करना है। बस जो डिफरेंस होता है वो होता है कि मेंस लेवल कुछ हाई लेवल होता है और बोर्ड्स लेवल कुछ लो लेवल होता है, ऐसा कह सकते हैं। बोर्ड्स में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, आपको लिखना पड़ेगा, हो सकता है कि कोई आपको आधा पेज एक पेज का आंसर हो जाए, और मेंस में क्या है कि आपको टू द फॉर्मूला आंसर क्वेश्चंस होते हैं और उसका आंसर आपको देना पड़ता है, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। जो मेन डिफरेंस है वो बस यही है। तो आप क्या कीजिए कि पहले तो बोर्ड्स के लिए आप तैयारी कीजिए, डेली कम से कम 1-2 पेज आप लिखिए, या फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिटेन एक बार ज़रूर कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा, और उसके बाद जो आपको टाइम मिले तो उसी क्वेश्चंस के मेंस लेवल के क्वेश्चंस आप बनाइए। अब टाइम कम है, देखिए 3 मंथ बस बचे हुए हैं, फिर भी 100 डेज हैं लगभग। तो अब आप क्या कीजिए कि मेंस का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, या पिछले प्रीवियस ईयर्स के सैम्पल पेपर्स ले लीजिए, क्योंकि सैम्पल पेपर और क्वेश्चन बैंक इनफ होता है वो मेंस के लिए। और इससे ज़्यादा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हैं, जो भी बुक आप अभी तक बना रहे हैं, उसी को मेंस और एडवांस लेवल पे आप बनाइए, उससे आपका मेंस और एडवांस का तैयारी हो जाएगा। और बोर्ड्स में 75% आपको याद रखने हैं, मगर 75% आपको लाने नहीं है, आपको एक्चुअली 90% अबव लाने हैं बोर्ड्स में। तो बोर्ड्स का आप कोई ज़्यादा चिंता मत कीजिए, बोर्ड्स बस टफ़ कहा जाता है कि हाँ 12th बोर्ड है टफ है, नहीं, कोई टफ नहीं है। अगर आप मेंस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं तो बोर्ड लेवल की आपको सोचने की कोई